हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वन वीडियो, जो के अब ये वीडियो इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए है। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के सामने छोटी सी क्लियरेंस रखूंगा जो इस टॉपिक को क्लोज कर देगी। ये वीडियो से अब ये बताऊंगा कि ये टॉपिक स्टार्ट कहां से हुआ था और ये टॉपिक भर किस वजह से रहा है और कैसे इस टॉपिक को अब क्लोज करना है, इस मैटर को कैसे क्लोज करना है। तो भाई लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये स्टार्ट किस तरह से हुआ था। मेरी जब लाइव स्ट्रीम पर जब हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे थे तो मेरी चैट में यकदम लाइव चैट पर स्पैम होना शुरू हो जाता है, जिसमें सब आवाम बोल रही थी कि टीएमजी मारखोर ने आपको गालियां दी हैं, टीएमजी मारखोर ने आपको गालियां दी हैं, टीएमजी मारखोर ने आपको गालियां दी हैं। वो सुनने के बाद, देखने के बाद चैट, मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही टीएमजी मारखोर की लाइव स्ट्रीम खोल ली, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग सिर्फ आवाज सुन लो, ठीक है, सुनना गौर से सुन। ऐसे करवाओगे टॉप वन है, ऐसे करवाओगे भोसड़ी वालों, बाहर के बंदे खिला के काफी नहीं हो रहा। अब मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा, जब मैंने इसकी वीडियो देखी फर्स्ट टाइम तो मेरे से रिएक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगी कि ये हुआ क्या है, इसने किया क्या है, ठीक है। जैसे उसने बोला, मैं गाली नहीं रिपीट करूंगा, फलाने के बच्चों ऐसे करवाओगे टॉप वन, टॉप वन पर मैं बैठा हुआ था, और साथ ही उसने बोला जब ऐसे करवाओगे टॉप वन, और साथ ही उसने ये बोला कि बाहर के लड़के खिलवाकर नहीं हो रहा टॉप वन, तो बाहर के भी लड़के मैं खिलवा रहा था, ठीक है, रेज वाले, और वन पर भी मैं बैठा हुआ था। तो इस सब को देखने के बाद मुझे उस टाइम चैट को मद्देनजर रखते हुए और ये सारा कुछ देखने के बाद मुझे लगा ये मुझे गालियां दे रहा है, ठीक है। मान लेता हूं एक पॉइंट साइड पे देख लेता हूं कि भाई कि इसने मुझे नहीं गालियां निकाली, जो इसको टारगेट कर रहे थे टॉप वन वाले। एज सच मैंने तुम लोगों को क्लियरली बताया है कि मैं खुद बोलता हूं कि टॉप वन वालों ने इसे टारगेट किया है, मैं किसी को भी यहां पे डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया अपनी लास्ट वीडियोस में भी, ठीक है। उस टाइम पर जब मैंने ये सुना, मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि भाई लोग, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता आता हूं, ठीक है, लेकिन इस काफी टाइम से मैंने लाइव स्ट्रीम बहुत कम कर दी हुई है, ठीक है, बहुत छुट्टियां मारता हूं। वजह क्या है कि मैं अल्लाह ताला की आजमाइशें हैं जिनमें फंसा हुआ हूं, जो मैं यहां पे शहर भी नहीं होता, ज्यादा टाइम मेरा हॉस्पिटलों में गुजरता है, ठीक है, अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पर, मेरे पर भी, ठीक है, आजमाइशें माफ फरमाए हम सब की, आमीन। तो मैं वो सब कुछ के बाद जब ये टूर्नामेंट के अंदर मैंने कलमे की कसम उठाई है, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखता कि भाई कलमे से बढ़ के कुछ भी है, ठीक है, तो कसम उठाई है कि मैं इसमें 1% भी इन्वॉल्व नहीं था। मैंने ये पूरा टूर्नामेंट फेयर खेला है, ठीक है, बाहर के लड़के अगर मैंने खिलवाए थे तो वो भी मैंने स्टार लीग वालों से इजाजत लेके उनके रूल्स के अंदर रह के मैंने बाहर के लड़के खिलवाए थे। दूसरा, हाँ, एक साइड पर मैं भी बोल रहा हूं, जैसे कि आप लोगों के सामने फाइम बाबा जो कि मेरा जिगरी यार है, उसने बोला है कि भाई इस बार ही टीएमजी मारखोर राइट है, तो वो मैं भी बोल रहा हूं कि टीएमजी मारखोर एक एंगल से राइट है। किस एंगल तक? कि टीएमजी मारखोर को स्ट्रीम्स ने बुआ टारगेट करके मारा गया था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर टीएमजी मारखोर ये टारगेट होने के बाद, ये स्ट्रीम्स ने होने के बाद मुझे एक मैसेज कर देता सिंपली गालियां निकालने से पहले, ठीक है ना, तो उस टाइम ये मैटर क्लोज हो सकता था। मैं खुद ही प्रॉपर ये चीज के खिलाफ हूं कि किसी को टारगेट किया जाए, ठीक है ना, ये मेरे साथ भी हो चुका हुआ है, ठीक है। और गालियां निकालना ईट ऑफ द मोमेंट, मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि गालियां मैं भी देता रहूं और गालियां हर स्ट्रीमर से निकल जाती है, क्योंकि कुछ आता ही इस तरह का सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से गालियां निकल जाती हैं। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टूर्नामेंट फेयर तरीके से खेला था, एक भी चीज अनफेयर नहीं की थी, ना कि मैं इन्वॉल्व था, मैंने कलमे की कसम उठाकर बता दी है, ठीक है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। अब पहला टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था और क्यों हुआ था। अब मैं टॉपिक ये बताता हूं कि ये टॉपिक भर क्यों रहा है। अच्छा, अब ये था
कि ये सारा कुछ होने के बाद हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर, जैसे कि हीट ऑफ द मोमेंट में से उससे गालियां निकल गई थी, ठीक है, और उसी हीट ऑफ द मोमेंट में जबकि मैं फेयर टूर्नामेंट खेल रहा था और मुझे अनफेयर कहा जा रहा था कि मैं टारगेट करवा रहा हूं और मैं बाहर के लड़कों को खिलवा रहा था, हालांकि मैं सब कुछ रूल्स के अंदर रहकर खेल रहा था और फेयर तरीके से खेल रहा था, ठीक है, तो मुझे गुस्सा आया हीट ऑफ द मोमेंट में। मैंने भी जो है अपनी ऑडियंस को, जो कि मैं कह रहा हूं कि मेरी गलती है, करना नहीं चाहिए था, ठीक है, गालियां नहीं निकालना चाहिए था, एक ही लॉबी में इकट्ठे होके ये पॉइंट को क्लियर करना चाहिए था, ठीक है, तो वो मेरी गलती है जो मैंने अपनी पब्लिक को बोला। मैं इस चीज की माफी मांगता हूं अपनी पब्लिक से, ठीक है, कि मैंने उनको बोला गालियां निकालने के लिए, गालियां नहीं, लाइक मैंने उसका, जिस तरह उसने मेरा नाम टॉप वन लिखवाया, मैंने उसका नाम टीएमजी वो लिखवाया, ठीक है, तो मैंने सारों को कहा सब लोग ये स्पैम करना शुरू कर देना, ठीक है, तो वो मैं अपनी गलती मानता हूं, ठीक है, उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस से माफी मांगता हूं, ठीक है। रही बात कि वो भी जितना मैं कसूरवार हूं उतना ही वो भी कसूरवार है, इसमें कोई ये नहीं है, वही बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो ये बात है कि अब ये टॉपिक भर क्यों उड़ा है, ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इसको क्लोज कैसे करना है। अच्छा, अब सिंपली मैं अपनी कोई ईगो कोई ऐसी चीज सामने रख के नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि इस टॉपिक को क्लोज किस करना है। सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है, कलमे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये मामला अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं अपने अल्लाह पर छोड़ता हूं कि अगर मैंने कोई किसी भी ये जो टारगेट शारगेट में इन्वॉल्व हूं, ठीक है ना, अल्लाह की जात ने इज्जत देनी है, अल्लाह की जात ने जवाल देना है, अगर मैं इस चीज में से किसी चीज में भी इन्वॉल्व हूं टारगेट में या कोई भी अनफेयर चीज में, तो अल्लाह करे सबसे पहला जवाल मेरे पर आए, ठीक है। अब ये कोई भी नहीं बोलता, मैं प्रॉपर आमीन करके बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, बाकी ये सब अल्लाह ताला की जात पर मैं छोड़ता हूं। अब ये टॉपिक को क्लोज किस तरह करने हैं, जिन्होंने टारगेट किया था टॉप वन क्लैन के लड़के थे, ठीक है ना, टॉप वन भाजवा नहीं था, टॉप वन क्लैन, उस वजह से मुझे हेट मिल रहा था, उस वजह से लोगों ने मुझे बातें सुनाई, ठीक है, जो कि गलत बात थी, ठीक है। अब करना क्या चाहिए इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए, कि मैं आज की लाइव स्ट्रीम पर ये चारों जिन्होंने इसको टारगेट किया था वो लाइव स्ट्रीम पर आएंगे और मैं इनसे कसमें उठवाऊंगा जो कि ये सच बोलेंगे, ठीक है, जिसमें ये बताएंगे, हाँ ये खुद मानेंगे इन्होंने टारगेट किया है, और ये भी बताएंगे कि वो किस वजह से इसको टारगेट किया है, किस वजह से टारगेट किया है इन्होंने उनको, ठीक है, सिंपली ये प्रॉपर वो लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं ये कोई भी वीडियो किसी के डर से नहीं बना रहा, ठीक है ना, कि YouTube मेरा एक शौक है जो मैं अपना शौक पूरा करता हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है कि इसकी वजह से मेरा कोई घर चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं ये वीडियो किसी के डर से नहीं बना रहा, ना मैं किसी के बाप से डरता हूं, डर है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात से, किसी और से कोई डर नहीं है। अब अगर किसी ने ये साड़ी क्लियर होने के बाद आप लोग कहते हो कि मैं कहीं पे गलत हूं ना, तो वो बंदा गलत कहता रहे, मैंने ये सारा कुछ अपने अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दिया, और ये सारा कुछ रखने के बाद मैं अपनी सारी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं, ठीक है, जो कि मैं वादा करता हूं बहुत दफा और मेरे से वादा टूट जाता है कि मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अल्लाह ताला से सबसे पहले कि या अल्लाह मुझे माफ करी, मैं आइंदा के बाद नहीं निकालूंगा कोई भी गाली, ठीक है। उसके बाद मैं माफी मांगता हूं अपनी ऑडियंस से, अपनी पब्लिक से, कि मैं गालियां निकालता हूं, जाहिर सी बात है फैमिलीज भी देख रही होती है, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने अब काफी टाइम से गालियां जो मैं बहुत ज्यादा देता था ना, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा देता था ना, अब मैं शायद ही कोई सी किसी स्ट्रीम के ऊपर गाली देता हूं, भाई ये बोल दे तो किसी को बड़वा आंडू मुसल्ली चूड़ा, लेकिन मैं गाड़ियों से बहुत परहेज करता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे घर वाले खुद मेरी स्ट्रीम देखते हैं, आप मेरी ऑडियंस को ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं अपनी स्ट्रीम पर अगर गाली देता हूं तो अगले दिन वो स्ट्रीम प्राइवेट हुई होती है, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं या स्ट्रीम को डिलीट कर दे, आइंदा के बाद स्ट्रीम नहीं करनी तूने,
तो वो प्राइवेट करके फिर मैं इजाजत लेके स्ट्रीम पर दोबारा आता हूं, ठीक है। तो ये मैं माफी मांगता हूं अपनी सब ऑडियंस से, ठीक है, कि अब के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगा। और मेरी गलती ये थी कि मैंने भी जिस तरह टीएमजी मारखोर ने गालियां निकाली थी ईट ऑफ दी मोमेंट में, और मैंने भी उसी ईट ऑफ दी मोमेंट में गालियां निकाल दी थी। तो ये जो सारा मसला क्रिएट हुआ है ना, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, जो कि मैं खुद बता रहा हूं कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लिप दिखाया था कि गालियों के फौरन बाद बोला गया था कि ऐसे करवाओगे टॉप वन, बाहर के लोगों को खिलवाकर नहीं हो रहा टॉप वन। तो उस चीज को देखते हुए, लाइव चैट को देखते हुए, जैसे हीट ऑफ दी मोमेंट में उससे गालियां निकली थी, उसी तरह हीट ऑफ दी मोमेंट में मुझसे गालियां निकली थी, जो कि मैं मानता हूं कि भाई वो मेरी गलती थी, ठीक है। मुझे गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी, कि मैं गालियां निकालने के बजाय उसको लॉबी में बुला लेता, या उसको चाहिए था अगर टॉप वन वाले उसको टारगेट कर रहे थे वो मैनेजमेंट को, या फिर मुझे, मैं उसके साथ ऐड था, मुझे बुला लेता, मैं उसके साथ लॉबी में खड़े हो जाता और मुझे सिंपली बता देता बात को कि ये सीन कर रहे हैं वो लोग। तो भाई लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को मजीद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ना वो अनफेयर था ना मैं अनफेयर था, हम फेयर खेल रहे थे। गलती टॉवन क्लैन मेंबर्स की है, जो कि आज की लाइव स्ट्रीम में क्लियर हो जाएगी। मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई उन्होंने अगर टारगेट किया है तो टूर्नामेंट से बैन है, वो परमानेंटली उनको बैन किया जाए, ठीक है। टारगेट हो रहा था जैसे कि स्ट्रीम स्नाइप रूल्स के खिलाफ थी कि भाई स्ट्रीम स्नाइप जो करेगा वो परमानेंट बैन होगा, डिस्क्वालीफाई होगी उसकी टीम, ठीक है। तो मैं इस रूल के साथ हूं, और हमारा जो आपस में मसला हुआ था तो उसको खत्म किया जाए। मैं इसको और मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस तरह मैं भी उसको गालियां दूंगा, वो भी मुझे गालियां देते रहेगा, इसलिए फायदा कुछ भी नहीं है। मेरी पब्लिक उसको आइंदा के बाद कोई गाली नहीं देगी, वो जो चाहता है करता रहे, ठीक है। आप लोगों ने आज के बाद किसी ने भी जो भी मैंने आप लोगों को बोला था वो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बिग लव, बिग रिस्पेक्ट टू ऑल पाकिस्तान कम्युनिटी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ऑल, के मतलब ऐसा हम लोगों की वजह से, हम क्रिएटर्स की इमेज खराब हुई, ठीक है। और मैं आप लोगों से यकीन मानो बहुत ज्यादा इंगेज हूँ। मैं, मेरा शुरू से स्टार्टिंग से यही मिशन है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इक्का होके रहे, बिल्कुल एक साथ जुड़ के रहे, ठीक है ना। तो बाकी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। गुड नाइट, फिर से गुड नाइट बोल दिया, ठीक है यार, ख्याल रखो अपना।